हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं सैनी मधुर व्यंजन जो कि है भरतपुर में है। इनकी चार ब्रांच हैं और बहुत ही फेमस है इनका केक एंड बेक का, काफ़ी काम इनका फेमस है। और ये कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी और इनकी जो बेड़ें होती हैं बहुत ही लाजवाब इनका टेस्ट है। आप यदि भरतपुर में हैं या भरतपुर के रहने वाले हैं या भरतपुर आप घूमना आपका जाना रस्ते में होता है तो आप ज़रूर यहाँ से ज़रूर खा के देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी लगी इनकी जो बेड़ें हैं, वो 10 रुपये के पीस है एक और बहुत ही टेस्टी, बहुत रीजनेबल रेट है। रेसिपी सिखाई होती है और बहुत आराम से करते हैं ये देखिए। और कचौड़ी जो है ये वो आपका 15 रुपीज़ का पीस है और काफ़ी अच्छा डिलीशियस टेस्ट है। और ये सुबह के अर्ली मॉर्निंग हम लोग गए थे, मतलब करीबन 8 बजे के आसपास, तो भी इनके लगातार हाथ चलते रहते हैं। और ये कचौड़ी, आलू की सब्ज़ी वगैरह ये बनती है। इसके बाद दोपहर में भी इनका काम होता है, वो है छोले भटूरे का, बहुत ही फेमस काम है। आप ज़रूर रहिएगा और यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जलेबी का जो प्राइस है वो है 300 रुपीज़ पर केजी है। आप जरूर इसको ट्राई करना, क्योंकि राजस्थानी जो जलेबी होती हैं वो क्रिस्पी हैं, यहाँ की जो जलेबी है और बहुत ही बारीक होती हैं। मुझे यूपी साइड की जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं आई और इनके यहाँ की जलेबी बहुत ही डिलीशियस थी, पतली जलेबी है तो अंदर से चाशनी कम जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है, उसका टेस्ट क्रिस्पी रहती है। इसीलिए इनके हाथ जो है और इनके हाथ लगातार चलते रहते हैं। ये आप देखिए किस तरह से इनकी जलेबी वगैरह लगातार बना रहे हैं, वो भी सुबह सुबह, बहुत ही इनके यहाँ चलती है, शॉप बहुत चलती हुई है। और चार इनकी अलग ब्रांच हैं, वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है। आप यदि भरतपुर साइड में आ रहे हैं तो ज़रूर इनका ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप ऑन द वे हैं, यदि आप जयपुर जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, यदि आपको भूख लग रही है तो फटाफट आपको कोई ना कोई अच्छा सा खाने का मन करता है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और बेड़ें जो है वो केवल 10 रुपये दाल की बेड़ें बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस है। आप देखिए यहाँ पर लगातार हाथ चल रहे हैं इनकी। और जो कचौड़ी है वो 15 रुपीज़ का पीस है, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सिकती है और बिल्कुल सफाई का काम है, बहुत ही अच्छा लगा, क्लीन है, काफ़ी अच्छा काम लगा इनके यहाँ का, मुझे बहुत पसंद आया। यदि आपने भी इनके यहाँ का ट्राई कर रखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए और क्या है, जलेबी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे और बेड़े वगैरह, इनकी जो शॉप है वो भी बहुत अच्छी है। आपके यहाँ टोटली सामान, जैसे कुछ भी बेक का है, केक वगैरह है, बहुत ही सब सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। अभी मैं आपको इनकी शॉप ही अंदर से दिखाऊँगी, आप देखिएगा। जो कचौड़ी ये बन के जा रही है, तुरंत ही इनके यहाँ बुक है कि मतलब इतनी इतनी कचौड़ी चाहिए, आप सोचिए इतनी शॉप चलती है इनकी। ये देखिए इनकी जलेबियाँ बन चुकी हैं, आप ज़रूर यदि आ रहे हैं तो आप ट्राई कीजिएगा। अभी हम भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये देखिए कचौड़ी वगैरह सिकाई बहुत ही अच्छी हो रही है और सफाई का काम है, बहुत अच्छा लगा। और ये है 15 रुपये का पीस है और जो बेड़ें हैं वो 10 रुपये का पीस है और जलेबी 300 रुपीज़ पर केजी है। ये देखिए अब सिकाई हो चुकी है क्रिस्पी क्रिस्पी और ये चली जाएंगी। अब ये है, अब देखिए तैयार हो चुकी हैं खाने के लिए। और ये आप जलेबी का दूसरा भी घान इनका तैयार हो रहा है। सुबह सुबह इतने इतने घान लगातार बनते हैं और फिर छोले भटूरे के लिए भी इनके पास दोपहर में इसकी भी तैयारी करते हैं और दोपहर में इनके छोले भटूरे का चलता है। तो आप यदि हैं जब भरतपुर आ रहे हैं तो ज़रूर इनका ट्राई करना। और यदि भरतपुर के हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए गर्मा गर्म हमारी जलेबी तैयार हो चुकी है, ये देखिए वाओ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैं आपको और ऐसे ही और वीडियो जरूर दिखाऊँगी। ये देखिए आइए हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए बेड़ियाँ वगैरह खाने के लिए। ये हमारी बेड़ियाँ आ चुकी हैं, मैं आपको अब टेस्ट बताती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी है बेड़ें, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लगी मुझे। ये है 10 रुपीज़ की है और ये देखिए बहुत ही डिलीशियस टेस्ट है इसका, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम आपको अब शॉप दिखाते हैं इनकी। ये देखिए काफ़ी अच्छी शॉप है, बड़ी है, आप जरूर यहाँ पे आके कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। सस्ती के लिए आपको चिप्स वगैरह चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए, देखिए केक पेस्ट्री वगैरह काफ़ी अच्छा काम है यहाँ पर, इंस्टेंट भी है, बहुत लगातार यहाँ पे इनके ग्राहक लगे रहते हैं। आप यदि आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।